नमस्कार फ्रेंड्स, आरएन एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। और आपने जो प्यार दे रहे हैं हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरएन, जिन्होंने आरएन एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। और आज हम आपको लेह से लद्दाख का विज़िट कराएंगे। खारदुंगला से होते हुए हम नुब्रा वैली पहुँचेंगे और उस थंडर रेगिस्तान को भी हम आपको विजिट कराएंगे। आइए चलते हैं। अब हम यहाँ से लेह से आप अपनी टैक्सी लेके व्हीकल से हम इन रेगिस्तानी पहाड़ों में, ये ठंडे पहाड़ जहाँ पर केवल ग्रीनी कहीं आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती, वहाँ से होते हुए हम आपको बर्फ के रेगिस्तान में और फिर उसके बाद फिर ऐसे ही बिना ग्रीनी के पहाड़ों पर आपको विजिट कराएंगे। आइए हमारे साथ चलिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे एक बार पुनः आप आग्रह करते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कराएं एक्सप्लोरर को, और लाइक करें, कमेंट्स करें। ये देखिए, हम बीच बीच में कुछ जगह पॉइंट्स पे आपको दिखा रहे हैं कि हमने वहाँ फोटो सेशन किया। और अभी देखिए, आइस नज़र आ रही है आपको पहाड़ों पे, बहुत आइस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये आइस बढ़ती जाएगी। अभी हम 11,000 फीट से ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पर हम खारदुंगला 17, लगभग 18,000 फीट पर है, 17,000 समथिंग फीट पे है। और वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार इसी तरह हमको देते रहिए। आइए देखिए क्या व्यू है भाई, एकदम आपको दूर दूर तक पहाड़ की सिर्फ चोटियाँ, हिमालय। देखिए सामने, अगर आप देखेंगे तो एकदम बर्फ बिछी हुई, जैसे कि किसी ने कर्टन बिछा दिया है। यहाँ कुछ जाम लगा हुआ है आगे गाड़ियों का, पहाड़ी रेंगती हुई गाड़ियाँ पहाड़ पे। और क्योंकि कहीं बर्फ़ गिर जाती है, अभी कुछ कल ही घर बर्फ़ गिरी थी और उसके बाद उसको क्लियर किया गया, बंद था ये रास्ता, और उसके बाद 2 दिन बाद ही खुला है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आप बने रहिए और देखते रहिए। ये देखिए जा रहे हैं हम, एकदम बहुत अमेजिंग व्यू है। देखिए पहाड़ पूरे बर्फ से ढके हुए, बर्फ मतलब बर्फ के ही पहाड़ हैं। यहाँ इतनी बर्फ जमा है कि आप पहाड़ को बर्फ का ही पहाड़ मान सकते हैं। जब ये बर्फ ढहती है और नीचे गिरती है तो एवलांच क्रिएट हो जाता है और बर्फ का तूफान यहाँ क्रिएट हो जाता है। अभी देखिए हम चल रहे हैं और हमारी गाड़ियाँ, चूँकि आगे काफ़ी जाम लग गया है, कुछ आगे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो सारी गाड़ियों की स्पीड बहुत स्लो है। अभी हम यहाँ रुक रहे हैं, थोड़ा उतरेंगे और यहाँ से हम आपको थोड़ा व्यूज़ दिखाएंगे। और बर्फ़ में भी खड़े होकर हमने कहा है अपने ड्राइवर साहब को कि थोड़ा सा एक पॉइंट पे आके हमको रोकिएगा, और जहाँ थोड़े हम बर्फ़ में कुछ इंजॉय करके और फोटो सेशन करा सकें। आइए चलते रहें। देखिए वो जहाँ रुकेंगे तब वहाँ हम आपको इस नज़ारे को दिखाएंगे। कितना सुंदर व्यू है, सफ़ेद चादर से ढका हुआ हिमालय, वाओ अमेजिंग अमेजिंग। ये देखिए हम थोड़े उतरे और टहल कदमी किया है। देखिए पहाड़ पे आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ा चहल कदमी हम चढ़ने का कोशिश किए, जितना ऊपर जा सकते हैं। और बर्फ़ से हम खेलते हुए, इंजॉय करते हुए, और ये बर्फ़ पे तो ऊपर ऊपर चढ़े हैं थोड़े पहाड़ पे, जहाँ से आ सकते हैं। यहाँ आपको फोटो दिखा रहे हैं और यहाँ बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। ये देखिए खारदुंगला पहुँच गए हम, और ये खारदुंगला आपको यहाँ पूरा बोर्ड पे पूरा ब्यौरा दिखाया हुआ है, ये कितना फिट है। और खारदुंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है, जो मोटरेबल वे है खारदुंगला, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट। और हम
यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इन वादियों को, इन सफ़ेद वादियों से होते हुए हम आपको अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे हम नोबरा वैली चलेंगे। अभी तो आपको ये हम खारदुंगला को एंजॉय करा रहे हैं, आप देखिए कितना बर्फ है। हमने खारदुंगला होते हुए नोबरा वैली जाने का प्लान किया है और नोबरा वैली एक थंडर रेगिस्तान है और वहाँ सेंड ड्यून्स है, आपको दिखाएंगे। आप वहाँ पहुँच कर, जैसा हमको लोगों ने बताया कि वहाँ एक अमेजिंग है, और वहाँ देखिए रेगिस्तान होने के बाद में वहाँ श्योक नदी भी बहती है, वहाँ ग्रीनी भी है और आप उसको इंजॉय करेंगे। आइए हमारे साथ चलिए और आपको दिखाते हैं। और आपसे फिर निवेदन है, जिन लोगों ने आरएन एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। अब देखिए वो बर्फ के पहाड़ हमारे पीछे छूटते हुए, आप बिना बर्फ के पहाड़, जो मैंने बताया था कि यहाँ बारिश नहीं होती, बर्फ की बारिश होती है, और बर्फ जहाँ बर्फ छूट गई पीछे, अब यहाँ काफ़ी थोड़ा हम नीचे आ गए हैं और नीचे में जहाँ आइस कम पिघल, जो आइस पड़ी थी वो पिघल चुकी है, और धीरे धीरे हम अपने अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए जहाँ पहुँच कर हम आपको कुछ फोटोज़, कुछ वीडियोस, शानदार वीडियोस आपको दिखाएंगे नोबरा वैली की। आपको यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ आने के लिए आपको आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको इंतज़ाम करना है। हमारी गाड़ी में, टैक्सी में भी ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। जब जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम ऑक्सीजन का उपयोग, हमारे जो ड्राइवर हैं वो करवाते हैं। हमने एक अपना पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर एयरपोर्ट से भी लिया था और वह भी हमारे साथ है, उसको भी हम लेके चल रहे हैं। और जब हम दिल्ली से चले थे तो मेडिकल असिस्टेंस लेकर, कुछ टैबलेट होती हैं और साथ में कपूर भी लेके चले, जहाँ आपको सांस की प्रॉब्लम हो आप उस कपूर को कपड़े के अंदर, रुमाल के अंदर लगा के सूंघ कर आपको ब्रीदिंग की थोड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। आइए चलिए और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आपको आज ले जा रहे हैं हम नोबरा वैली, शानदार जगह। आप देखिए भारत का एक ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान में आपको ले जा रहे हैं, और देखिए कितना शान। वहाँ पहुँच कर आपको पता लगेगा कि भाई वाकई कितना प्यारा जगह है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आरएन एक्सप्लोर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन दें और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना पाएँ, दे पाएँ, जगह दिखा पाएँ, हमारी ये कोशिश रहेगी। पर आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करें और हमारा सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। मैं, जिन लोगों ने नहीं किया है कृपया केवल देख कर ना जाएं, व्यूज़ दे कर ना जाएं, आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए देखिए हम चल रहे हैं धीरे धीरे और हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अब हम पहुँचेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको। देखिए पहाड़ों की सूरत बदलती हुई, कुछ अलग ही तरह के पहाड़, अलग ही तरह का रेगिस्तान सा जैसे आता है, वहाँ बिल्कुल हरियाली आपको नज़र नहीं आएगी। और जब नीचे पहुँचेंगे वहाँ नदी भी मिलेगी आपको और हरियाली भी नज़र आएगी रेगिस्तान में। ये एक अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। ये देखिए यहाँ से सियाचिन का रास्ता कटता है, सियाचिन पोस्ट के लिए जाते हैं। अब देखिए हम रेगिस्तान में पहुँच गए, अब आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं हम। ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं रेगिस्तान की, जहाँ नदी भी बीच में आपको दिखाई दे रही है, कुछ हरियाली भी आपको नज़र आएगी। ये रेगिस्तान है, नोबरा वैली आ चुकी है और हम नोबरा के आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं अपनी वीडियो में। आप देखिए अमेजिंग अमेजिंग पहाड़ नज़र आते हुए, और ये यहाँ हॉट नहीं है, बहुत ठंडा है, ठंडा रेगिस्तान। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और रेगिस्तान है। यहाँ पर हम आपको कैमल सफारी भी दिखाएंगे, जहाँ कैमल ठंड
रेगिस्तान में केवल सफारी की जाती है। आप बने रहिए, देखते रहिए और एन एक्सप्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ये देखिए क्या रेगिस्तान है, लाजवाब, अमेजिंग अमेजिंग। और ये हम करीब लेह से थोड़ा ऊपर करीब 12,000 फीट पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए कैमल राइडिंग, वाह वाह, विद फैमिली कैमल राइड करते हुए और इस रेगिस्तान को एंजॉय कराते हुए, आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। कितना प्यारा व्यू है, देखिए रेगिस्तान आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें हम ये कैमल्स की सफारी यहाँ पे होती है स्पेशल टूरिस्ट के लिए, और आप यहाँ जाएं और बुक कराएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।